इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA के लिए सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में. सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान एंड वेलकम टू स्टूडेंट खबरी. जब भी हम MBA प्लान कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि MBA करने के बाद हमें जॉब तो जो है वो मिल ही जाएगी, भले हमने अपना ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में किया हो. तो MBA इज अ काइंड ऑफ बैकअप ऑप्शन जो कि हर स्ट्रीम का बच्चा कहीं ना कहीं ऑप्ट करना चाहता है. बट अगर आपको MBA करना है, भले आपको स्टेट लेवल स्टेट से करना है या फिर अपने स्टेट से बाहर जाके करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट के या फिर नेशनल लेवल के कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनको देके आप MBA कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एग्जाम को, जिसको आई थिंक सभी लोग जानते हैं, विच इज अ नेशनल लेवल एग्जाम, दैट इज कैट. 2021 का हो चुका है. अगर आप ड्रॉप ले रहे हो इस साल और नेक्स्ट ईयर चाहो तो आप कैट जो है वो दे सकते हो. जितनी भी IIMs हैं, जितनी भी IITs हैं, जितने भी अदर टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स हैं, ऑलमोस्ट 70% कॉलेजेस जो हैं वो कैट को एक्सेप्ट करते हैं. 70% भी जो है वो मैंने कम बोल दिया है, पर इतना इजी नहीं होता है. अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे जो हैं वो कैट को देते हैं. हर साल 200,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो कैट के लिए अपेयर करते हैं. तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो फिर आप इसको अपनी लिस्ट में रख सकते हो. सेकेंड जो एग्जाम है दैट इज NMAT, राइट? NMAT बाय GMAT जो है वो सेकेंड हमारा एग्जाम है. और अगर हम NMAT बाय GMAT की बात करें तो NMAT का जो एग्जाम है वो नरसी मुंजी के लिए कंडक्ट होता है. नरसी मुंजी के मुंबई में दो कैंपसेस है और उसके साथ साथ हैदराबाद में भी कैंपस है, इंदौर में भी कैंपस है, राइट? NMIMS का बैंगलोर में भी कैंपस है. तो उन सभी के लिए NMAT का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है. आप उसको कई बार दे सकते हो, बट इस साल से NMAT ने ये कर दिया है कि आप जो अपना पहला अटेम्प्ट दोगे वही कंसिडर किया जाएगा. बट ऐसा नहीं है कि NMAT जो है वो सिर्फ नरसी मुंजी एक्सेप्ट करता है. मेनली ये नरसी मुंजी के लिए होता है, बट उसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं. देन थर्ड वी हैव जेवियर्स का ZAT. ये तीनों एग्जाम जो है वो 21 22 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए हो चुके हैं. आप अगर इन एग्जाम्स को देना चाहते हैं तो 23 के लिए दे सकते हैं अगर आप ड्रॉप का जो है वो प्लान कर रहे हैं. तो थर्ड जो एग्जाम है दैट इज ZAT एंड दैट इज फॉर जेवियर्स के लिए एग्जाम होता है, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट. कैट के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चा एग्जाम देता है वो ZAT का देता है, बिकॉज पहले तो जेवियर्स के लिए होता है, बट जेवियर्स के अलावा भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो ZAT को एक्सेप्ट करते हैं. अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये कैट के कंपैरिजन सिमिलरली उतना ही टफ एग्जाम जो है वो होता है ZAT, राइट? मूविंग टू द थर्ड एग्जाम व्हाट वी हैव इन आवर लिस्ट इज MAT, राइट? अगर हम MAT की बात करें तो चार बार होता है साल में, दिसंबर, यू नो, एंड मे, सेप्टेम्बर, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फेब्रुवरी में भी, फेब्रुवरी या मार्च में भी कंडक्ट होता है. तो इसको कोई टीयर वन का कॉलेज तो एक्सेप्ट नहीं करता है, बट टीयर वन में महाराष्ट्र के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो हर साल कैप के थ्रू ले लेते हैं MAT के बेसिस पर, बट उसके लिए 99.99 का ही स्कोर होना चाहिए. बाकी अगर आपको ये है कि यार मुझे टीयर टू के कॉलेजेस चाहिए और मैं साल ड्रॉप नहीं ले रहा हूं, कोई और एग्जाम नहीं बचा है, तो आप इसको देख के आराम से यू नो 6 लाख से लेके 8-9 लाख के एवरेज पैकेज, 10 लाख के एवरेज पैकेज वाले कॉलेजेस में जा सकते हैं. और अभी भी ऑप्शन है, आप अभी भी देखे इस करंट सेशन में भी जो है वो एडमिशन जो है ले सकते हैं. उसके बाद GMAT होता है. GMAT पे भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं IIMs में, राइट, IITs में, वो GMAT के बेसिस पे लेते हैं. बट GMAT जो है वो बच्चा अगर इंटरनेशनल MBA प्लान कर रहा है तो GMAT का एग्जाम देता है. इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, आप कभी भी अपेयर कर सकते हैं. थ्रू आउट द ईयर जो है इसकी विंडो जो है वो ओपन होती है. देन द नेक्स्ट एग्जाम व्हाट वी हैव इज CMAT, राइट? CMAT के आप देख रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखे हैं 1 नवंबर से 1 जनवरी, भाई अभी तक एप्लीकेशन की डेट ही नहीं आई है. तो अगर आप 2021 में एडमिशन लेना चाहते हो और आप CMAT को अभी भी दे सकते हो, कई सारे कॉलेजेस
जिम्स गोवा, वेलिंकर, ग्रेट लेक्स चेन्नई, राइट, एनआईए, एनआईबीएम, आईएफएमआर चेन्नई, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो सीमैट एक्सेप्ट करते हैं एंड सीमैट में 95 के आसपास स्कोर करके, 95% के आसपास स्कोर करके आप उन सारे कॉलेजेस में जो है वो जा सकते हैं। स्लाइड काफी सारी है, काफी लंबी वीडियो होने वाली है, ये उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी जो नेक्स्ट ईयर एमबीए प्लान कर रहे हैं, बिकॉज हमने शुरू में जो एग्जाम्स डिस्कस किए वो नेक्स्ट ईयर के थे, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी जो अगर स्टेट लेवल यू नो कॉलेजेस देख रहे हैं या फिर नेशनल लेवल जैसे सीमट हमने डिस्कस किया जिसकी डेट्स अभी भी ओपन है। देन वी हैव उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट, अगर आप उड़ीसा स्टेट में कहीं ना कहीं देना चाह रहे हैं तो आप ये वाला एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो मई में आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई में होता है और जुलाई अगस्त में इसके जो है वो एडमिशन होते हैं। तो ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम उड़ीसा एंड वॉन्टेड टू टेक एडमिशन इन एमबीए इन उड़ीसा, दे कैन जस्ट राइट उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। Moving to the next entrance exam, that is Uttar Pradesh State Entrance Examination, which is known as UPSEE, right? I think इस exam का मैं 100% sure नहीं हूँ, because last year मुझे जितना पता चला था कि उन्होंने शायद इसके basis पे counseling नहीं की थी, तो एक बार आप check कर सकते हैं, but आप अगर अभी भी होता है तो UPSEE ये उत्तर प्रदेश के सारे colleges के लिए होता है, MBA के लिए, जिसमें APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सारे affiliated colleges जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। देन वी हैव टेंसेट, व्हिच इज फॉर तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट, एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस, 21 जनवरी से 1 ऑफ मार्च तक एप्लीकेशन है, एग्जाम जो है वो 1 अप्रैल को कंडक्ट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज IPSCET, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर एंड यू वांट टू गेट इनटू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सारे अफिलियेटेड कॉलेजेस हु आर ऑफरिंग एमबीए, तो आप ये एग्जाम IPSCET दे सकते हैं, राइट, एप्लीकेशन अप्रैल में आते हैं, एग्जाम जो है वो मई में कंडक्ट होगा और मई जुलाई में कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस जो है वो होती है, राइट। देन वी हैव एटमा, लाइक मैट, स्टूडेंट्स कैन आल्सो गिव एटमा अगर वो महाराष्ट्र में एडमिशन चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर भी, अगेन टियर टू कॉलेजेस, आपको इस साल ड्रॉप नहीं करना है, आपको एडमिशन लेना है, तो आप डेफिनेटली यू नो ये सारे कॉलेजेस देख सकते हैं, यहां सारी जगह जा सकते हैं। थोड़ा सा माइक चेक करना पड़ता है बिकॉज यू नो ऑब्वियसली लंबा वीडियो है, तो ऐसा ना हो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, राइट। तो इसी के साथ साथ अब आप देख रहे हो एनर्जी भी लगती है व्हेन यू मेकिंग ऑल दीज वीडियोज, बस मैं तो यू नो 58 स्लाइड्स राइट हैंड साइड पे देख देख के सोच रही हूँ कि कितना लंबा वीडियो है, तो तुम्हें बने रहना, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मेरी जो एनर्जी है वो ऐसा ना हो बीच वीडियो में खत्म हो जाए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट विदाउट एनी यू नो जोक्स, राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम, एटमा टीयर टू कॉलेजेस के लिए आप दे सकते हो, महाराष्ट्र में ये सारे टॉप के कॉलेजेस भी कैप के थ्रू जो है वो एक्सेप्ट करते हैं आत्मा का स्कोर, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, यहाँ पे हम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देख रहे हैं इन सभी पे मैंने वीडियो बनाया है, एक्सक्लूडिंग ये जो जैसे गुरु गोविंद सिंह का होता है या टैंसेट होता है, ये इन ओजी जो होता है इनको छोड़ के मैंने सभी पे बनाया है। देन वी हैव IAFT का एग्जाम, व्हिच इज फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आई मीन इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर करियर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, दिस इज अमंग द टॉप 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 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनका कोलकाता में भी कैंपस है बट जो मेन कैंपस है वो दिल्ली में है, और बॉस बहुत अच्छा कॉलेज है, एवरेज पैकेज 18 लाख 19 लाख के आसपास का है, इनकी खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज अगर हम कैट की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा बच्चा देता है, IAFT में कम बच्चा देता है इसलिए, और डिफिकल्टी लेवल भी कंपैरेटिवली कैट से जो है वो इजी होता है, बट बहुत अच्छा कॉलेज है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज APICET, राइट, देन अगर हम इसकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि आंध्र प्रदेश में एडमिशन चाहते हैं फॉर देयर MBA, राइट, वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं। ये MBA के लिए भी कंडक्ट होता है, MCA के लिए भी कंडक्ट होता है, इसके एप्लीकेशन कमिंग अप है, मतलब मई जून में आते हैं, एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा और जुलाई के एंड तक ही जो है वो एडमिशन प्रोसेस कहीं ना कहीं चलती है। With this, moving to the next exam is MICAT. You might have heard this college in Ahmedabad, that is MICA, right?
a college which is known for marketing, a college which is known for branding. I mean, you see all these big companies on the television, जो कि इतने बड़े-बड़े shows host करती है, right? Media and entertainment. तो अगर तुम्हारा dream है that you wanted to go and work out there, I think this can be a dream college of yours. Clubs are like very sorted. But in इस MyCAT के साथ क्या है? MyCAT के लिए आपको CAT या ZAT में से भी एक देना पड़ता है. इनको इनका क्या है? ये CAT ZAT एक्सेप्ट करते हैं प्लस MyCAT एक्सेप्ट करते हैं. मतलब आप सिर्फ MyCAT देके इसमें नहीं जा सकते, MyCA में नहीं जा सकते हो. MyCAT के साथ आपको CAT या ZAT का एग्जाम देना पड़ता है. रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ये भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए दे सकते हैं. और ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है कि अगर आपका लेट्स से CAT में 80% है और तुम्हें लगता है कि तुम इंटरव्यू में फाड़ के रख सकते हो, डेफिनेटली प्रोफाइल बेस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज, वी हैव PUCET, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट. एप्लीकेशन कमिंग अप है. पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इसमें आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं. एप्लीकेशन जो है वो अगस्त जुलाई में आते हैं, सितंबर में एप्लीकेशन. एग्जामिनेशन जो है वो 6 अक्टूबर 2022 में कंडक्ट होगा. एक बार डेट से यार अपने लेवल पे क्रॉस चेक कर लेना, राइट? बिकॉज हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए. और कुछ लगे तो यार नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो. और बताने के साथ साथ यार अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ एग्जाम देने के बाद एक और सवाल प्रश्न चिन्ह आपकी जिंदगी में आ जाता है, दैट व्हाट कॉलेजेस शुड आई टारगेट बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक एग्जाम बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग कि एक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है. अब प्रोफाइल एनालिसिस मतलब तुम अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जान सकते हो कि तुम्हारे लिए एक सही एमबीए कॉलेज कौन सा है. बिकॉज आई नो तुम एमबीए क्यों करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए. एंड फॉर दैट राइट कॉलेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इफ यू हैव दिस क्वेश्चन, please go and fill out that form. Moving to the next entrance exam, IBSET. मैंने जब अपना counseling career start किया था, the very first year, I think मैंने बहुत सारे बच्चों को call किए थे, जिनसे मैं बात करती थी, just to understand कि उनके किस किस तरह के questions होते हैं, ताकि हम वो videos में लेकर आ सकें. मैंने अपने उस पहले साल की counseling में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं check किया जिसने IBSET का exam नहीं दिया हो. इनके पूरे इंडिया में हर शहर हर क्षेत्र में कॉलेज मिल जाता है, बट IBS लोग हैदराबाद वाले कैंपस से जानते हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चा पढ़ता है. तुम मुंबई बोलो, तुम पुणे बोलो, तुम अहमदाबाद बोलो, तुम देहरादून बोलो, तुम्हें जो लोकेशन चाहिए तुम्हारी पसंद की, तुम्हें IBS का वहां कैंपस मिल जाएगा. सबका एडमिशन हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. और मैं सबसे अच्छी चीज बताऊं, इनका सिंपल सा मोटो है, अगर तुम्हारा कैट के दिन एग्जाम बिगड़ गया और तुम्हें बैकअप ऑप्शन चाहिए IBS, तो भैया जिन स्टूडेंट्स का कैट को ये लगता है कि अगर कैट अच्छा नहीं गया तो विल कीप इट IBS एज एन ऑप्शन. तो उन्हीं का एग्जाम होता है, इस साल के लिए हो चुका है, नेक्स्ट ईयर के लिए आप दे सकते हो. बट ये मैट वैट के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं, तो ज्यादा जिंदगी में गम रखने का कोई सेंस नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज UPES, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम Energy Studies Design Aptitude Test. If you want to go to a beautiful city and want to study your MBA there, मतलब देहरादून, तो आप यहाँ एक university है UPS देहरादून के नाम से जानी जाती है, MBA के लिए, law के लिए और petroleum engineering के लिए known है ये university, आप UPS से कर सकते हैं. Applications बहुत open रहते हैं, मतलब आप जब चाहो तब उसको apply करके definitely दे सकते हो, right? And ये university level examination है. Then we have a next examination, तेलंगाना State Integrated Common Entrance Test, right? Application आने वाले हैं, application form जो है वो August में available है, September में जो है वो exam conduct होगा. ये तेलंगाना State Integrated Common Entrance Test है, right? By Kakatiya University on behalf of तेलंगाना State के behalf पे conduct करती है, ठीक है, higher education के लिए. Moving to the next entrance exam, that is HPCET, जो कि हिमाचल प्रदेश, मतलब वो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के MBA कॉलेजेस में जो वहीं के हैं, या फिर जिनको बहुत अच्छे नेचर में पढ़ाई करने का मन है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के भी मजे होने चाहिए, वो चाहे तो ये एग्जाम दे सकते हैं. हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन इज कमिंग अप इन द मंथ ऑफ मार्च. एग्जाम जो है वो 25 मई को कंडक्ट होगा, राइट? तो कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके ऑप्शंस आपके पास अभी भी हैं स्टेट लेवल के, जिनको देके आप एनरोल कर सकते हैं. बट दिस मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट. बोलते बोलते ट्रस्ट मी गला सूख चुका है, बट आई विल कंप्लीट दिस वीडियो इन वन टेक, राइट? बिकॉज आपको मजा आना चाहिए, आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बट पूरा वीडियो जरूर देखना. आई मीन इफ यू गोना लीव मी इन बिटवीन आई फील वेरी बैड. एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो.
बॉस शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन नोएडा, राइट? आई मीन इफ यू वांट एडमिशन आउट देयर फॉर देयर एमबीए, यू कैन गिव दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट? SU-80 इज एन university level exam, right? With this, moving to the next entrance exam, that is Rama University entrance test. I haven't heard about this university. मैंने इस university के बारे में सुना नहीं है, right? तो अगर आपने सुना है और आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इनका एंट्रेंस RUET दे के एडमिशन ले सकते हैं. एप्लीकेशन भी आने वाले हैं, एग्जाम की डेट भी आने वाली है, मतलब आप इसी सेशन में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं. विद दिस मूव, आप देख रहे हो बार बार मेरी नजर उस तरफ जा रही है, कितनी स्लाइड्स यार, आई हैव डन 18 स्लाइड्स बट आई एम स्टिल लेफ्ट आउट विद 58 स्लाइड्स, गॉड, राइट? विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, कर्नाटका PGCET. कर्नाटका में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन चाहिए, स्पेशली फॉर एमबीए, आप दे सकते हैं. एप्लीकेशन आने वाले हैं, राइट? एग्जाम जो है 15 अगस्त में कंडक्ट होगा और एप्लीकेशन मई जून में जो है वो कहीं ना कहीं आते हैं. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CU-CET, राइट? और अगर हम CU-CET की बात करें तो यार CU-CET जो है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है, एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के साथ साथ यू नो आप इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली दे सकते हैं. मैं अभी आपको स्क्रीन पे नहीं देख रही हूं बिकॉज आई एम हेयर टू हैव माई ग्लास ऑफ वॉटर. बोलते बोलते कहीं ना कहीं प्यास भी लगाई और मैंने बोला कि यार ये फ्लो नहीं खत्म होना चाहिए. तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ये भी एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है UG-PG एंड अदर कोर्सेज में एडमिशन के लिए. नेक्स्ट वी हैव यू नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट? ये भी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है UG-PG एंड अदर कोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम, इस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने नहीं सुना है बट अभी काफी नया, मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ, यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है. एप्लीकेशन मार्च में आते हैं, एग्जाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज एग्जाम, राइट? स्नैप, राइट? आई थिंक बहुत ऊपर होना चाहिए था इस एग्जाम को. हो चुका है, अभी कॉल्स आ चुके हैं बच्चों को, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए दे सकते हैं. सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, SIBM, SCMHRD, SIIB, SIBM नागपुर, बैंगलोर, उन सभी के लिए आप ये एग्जाम दे सकते हैं. Moving to the next exam, that is YVUCET, that is Yogi Vimana University Common Entrance Test. मैंने नहीं सुना है university का नाम. अगर आप इसमें admission लेना चाहते हैं तो इनके application भी open है, July में जो है वो exam है. Moving to the next exam, that is SPSAT, that is Sri Padampath Singhania Admission Test. Again ये किस university के लिए है, right? Again ये किस university के लिए है, ये मैंने पहली बार इस exam को सुना है बट ये एग्जाम जो है वो मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जो है वो कंडक्ट होता है. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम. KIIT का आपने नाम सुना होगा जो कि इंजीनियरिंग के लिए नोन है. वहां उस रीजन के जो बच्चे हैं वो इस कॉलेज के बारे में काफी पूछते हैं. तो अगर उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, वो KIIT का खुद का एंट्रेंस एग्जाम दे के MBA में एडमिशन ले सकते हैं. एप्लीकेशन आने वाले हैं और एग्जाम जो है वो अगस्त को कंडक्ट होगा, राइट? देन वी हैव UPESMET, that is UPS Management Entrance Test, right? इसके भी डेट जो है वो मार्च में है, मतलब चल रही है, एंड एडमिशन जो एग्जाम है वो मई में कंडक्ट होगा. Then the next examination what we have is Maharashtra CET, right? अगर हम Maharashtra CET की बात करें तो बस JB, सिमश्री, पुंबा, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो वहाँ के टॉप, वेलिंकर ये टॉप 4 कॉलेजेस में हैं और उनके लिए कंडक्ट होता है, स्पेशली महाराष्ट्र के स्टेट लेवल कॉलेजेस के लिए. अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यू नो ये वाला एग्जाम जो है वो दे सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज BMAT, विच इज फॉर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, इनका खुद का कॉलेज है IMED, राइट? उसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस में चल रही है. एग्जाम जो है वो 30 अप्रैल को है. फीस 6-6.5 लाख होगी, एवरेज पैकेज क्लेम करता है 8 लाख के आसपास का ये कॉलेज. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज कर्नाटका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज KMAT. अगर हम इसकी बात करें, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, राइट? नवंबर के, बट मतलब 2022 के एडमिशन अभी ओपन है, उसके लिए डेट्स आएंगी तो आप अप्लाई करके वहां जा सकते हैं. कर्नाटका में KMAT के थ्रू स्पेशली बैंगलोर में कई सारे कॉलेजेस MBA के जो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से है
आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम दैट इज केमैट, केरला मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट. अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो ये केरला का स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है. अगर आप वहां से एमबीए करना चाहते हैं जहां का लिटरेसी रेट जो है वो 90% प्लस है, तो बॉस ये एग्जाम आप दे सकते हैं. एप्लीकेशन आने वाले हैं, एग्जाम जो है वो मई में कंडक्ट किया जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम दैट इज उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपीएस डबल ई एमबीए 2022, राइट. आई थिंक हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इसी के साथ साथ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम पीयूसीएटी दैट इज पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट. इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, एमबीए के लिए कैसी है अगर आप ये जानना चाहते हैं डू लेट मी नो the comment section so that I can review that particular university, right. Moving to the next exam that is St. Andrew Joint Entrance Examination which is known as SAJ 2022. Applications bhi open hai, right. Exam mein bhi time hai aur ye jo hai integral university ka khud ka entrance exam hai. Then we have IUET T, which is Integral University Entrance Test, which is a state level entrance test for UG and PG admission. Then we have GMAT, JEMAT, right? JMAT. That is Joint Entrance Management Aptitude Test, right? कौन कौन से कॉलेजेस के लिए है, मैं पहली बार इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सुन रही हूँ. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस पर सेपरेट वीडियो बना के दूँ उसमें से किसी भी एग्जाम पे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो. अगेन यार, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट ऑल कॉलेजेस यू कैन टारगेट ऑन योर प्रोफाइल, एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. विद दिस यू नो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम दैट इज GRE व्हिच इज ऑब्वियसली फॉर ऑल द MBA एडमिशंस abroad, right? तो वहां के लिए ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है. दिस इज नॉट फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज, इट इज फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फॉर MBA. देन वी हैव SRM कॉमन एडमिशन टेस्ट. SRM इज नोन फॉर इंजीनियरिंग बट दे ऑल्सो ऑफर MBA. MBA के लिए उतनी नोन नहीं है बट अगर आपको वहीं से करना है तो आप इनका एंट्रेंस एग्जाम दे के जा सकते हैं. Then we have Jagannath University Entrance Test, right, which is known as JUEE 2022, right. तो इस university के लिए आप ये entrance देके admission ले सकते हैं. Application आने वाले हैं, exam जो है वो 10th September को conduct होगा. With this moving to the next entrance examination in this list is PSAT, right, which is PS Scholastic Aptitude Test, right. So अगर हम इस test की बात करें तो ये एक PSAT is a university level examination जो कि PS University Bangalore conduct कराती है, right? Bangalore में engineering के लिए you know university काफी known है. MBA के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो please comment करके पूछ सकते हैं. With this LPU का NEST का exam होता है, engineering के लिए भी होता है, MBA के लिए होता है. अगर आपको LPU से you know बदलेंगे कल को we are the one go, right? अगर आपको LPU से जाके MBA करना है तो you can definitely give this entrance examination and आप देख रहे हैं वीडियो जो है वो हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं. काफी लंबा वीडियो है, आप बस बोर ना हो इसीलिए बीच बीच में मैं एंटरटेन करने की भी कोशिश कर रही हूं. बट हो सकता है इसमें से कोई एंट्रेंस एग्जाम जो हो वो आपके लिए हेल्पफुल हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम देना भूल गए, हम क्या करें, कौन कौन से होते हैं. तो उनके लिए, उनको सोच के मैंने ये वीडियो जो है वो कंटेंट राइटर से कंटेंट डिजाइन करवाया है और मैं शूट कर रही हूँ. मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम दैट इज UPSCET उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट. आई थिंक UPSCET, UPSEE बहुत सारे आ गए हैं, राइट. तो उनको एक ही में आप कंबाइन कर सकते हैं, कोई भी एक देके आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं. हो सकता है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हों, जैसे हमने बात की एक एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए होता है, तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए होते हैं. देन वी हैव जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट. मैंने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना है बट अगर आपको यहाँ पे एमबीए में एडमिशन चाहिए आप ये वाला टेस्ट दे सकते हैं. एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, राइट. एग्जामिनेशन 30th June को है. देन वी हैव, आई थिंक हम हिमाचल वाला डिस्कस कर चुके हैं, HPU MAT. ये स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट है हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशंस के लिए. देन वी हैव सेंट लॉन्गोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट. आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी भाई,
SLIET SET 2022. So, अगर आप चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इनका भी एंट्रेंस एग्जाम देके जा सकते हो. देन उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से मेन एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप दे सकते हैं. बहुत सारे बच्चे जो यूपी के हैं वहां से करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एप्लीकेशन मार्च से अगस्त तक चलते हैं. एग्जाम जो है वो नवंबर में कंडक्ट होगा, राइट. ये स्टेट लेवल एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए. देन आई थिंक ये इतना यूजफुल नहीं है बिकॉज ये एग्रीकल्चर के लिए होता है. SRM का कैट भी एग्जाम होता है, राइट. आप उसको भी दे सकते हैं. मैं ऑलरेडी एक SRM का एंट्रेंस एग्जाम पे बता चुकी हूँ, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. देन दयानंद सागर एडमिशन टेस्ट, DSAT के नाम से जाना जाता है. ये जो कॉलेज है ये बैंगलोर में है और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट में आता है. बट अगर आप यहाँ से MBA भी करना चाहते हैं तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम देके जा सकते हैं, राइट. देन वी हैव जैन एंट्रेंस टेस्ट. आपने CMS जैन का नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं उसके बारे में. एक बहुत बड़ा मास है जो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहता, देता भूल जाते हैं या फिर किसी भी रीजन की वजह से. और इफ दे वांट टू टारगेट ऑल दी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, दे कैन लुक फॉर दिस जेट एंट्रेंस एग्जाम और उसको देके वो CMS जैन में जा सकते हैं. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट एंट्रेंस, ITM नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट. ITM तो वैसे सारे ही एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, बट उनका स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है. मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है MBA विद अर्शी खान पे, वो हमारा एक डेडिकेटेड चैनल है MBA के लिए. अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो जाके उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं. Then we have Maharashtra Council of Agriculture Education, MAUEB. आप ये भी चाहे तो देख सकते हैं, ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए है. देन IMUCET, दैट इज इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. एप्लीकेशन कमिंग अप, मैंने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना है. देन वी हैव उत्तराखंड स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, एप्लीकेशन जो है कमिंग अप है. एग्जाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम, जो कि मुझे जो लगता है जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको देखते हैं. ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन नहीं है, ये भी IEM, राइट. ये कोलकाता में कॉलेज है तो ये उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, IEM जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट. अगर आप इंजीनियरिंग या MBA में एडमिशन वहां पे लेना चाहते हैं तो आप ये देके भी जा सकते हैं. देन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इज लाइक फॉर एग्जाम्पल आप निपर JEE 2022 दे सकते हैं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एप्लीकेशन इसके आने वाले हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल में या यू नो हेल्थ केयर में देखते हैं तो वो इस एग्जाम को देख के एनरोल कर सकते हैं. देन यू नो शिक्षा ओ अनुसाधन यूनिवर्सिटी नाम नहीं सुना है, बट अगर आपने देखा है तो आप ये SAT दे के जा सकते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट GLA यूनिवर्सिटी, राइट. आई थिंक एक GLA मथुरा में है, राइट. और एक मैंने शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिल्ली NCR में भी कोई एक GLA इंस्टीट्यूट है, उनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो आप कभी भी देख के एडमिशन जो है ले सकते हैं. MBA, BCA, MCA, BTech सभी के लिए कंडक्ट होता है. Then the next entrance exam हम SRM already discuss कर चुके हैं. Then we have Alia University admission test. ये कोई national level exam है जो कि Alia University कंडक्ट करती है admission into UG and PG entrance examination. Then we have DAVVCET, right. IMS DAVV इंदौर में है, MP का college है और उनका खुद का entrance exam है जो कंडक्ट होता है, right. जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके डेट्स अभी हैं मार्च जुलाई अगस्त में इसके कहीं ना कहीं एडमिशंस होते हैं. देन वी हैव डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट. ये स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि कंडक्ट करती है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी उनके UG एंड PG के एडमिशंस के लिए. देन वी हैव APIIT नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट. ये एग्जाम्स की डेट्स भी अभी हैं. ये एग्जाम अगर हम बात करें तो ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए होता है. ISECT जो कि भोपाल में है इनका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ कोई MBA के लिए जाता होगा. देन CMR यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, ये भी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है. केरला यूनिवर्सिटी का कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है. ये सारे एग्जाम्स बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं, GD गोइंग का बहुत कम देते हैं एंड उत्तरांचल यूनिवर्सिटी बहुत कम लोग देते हैं. एंड आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. कुछ एग्जाम्स बहुत अच्छे थे, कुछ एग्जाम्स जो थे वो सिर्फ नाम के लिए थे, राइट. बट मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर किए. तो बस आई होप आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो वीडियो पसंद आया लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियो के लिए बने रहना है मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.